किसी क्वीन मलिका शेरावत पहले से ही जानती थी कि बॉलीवुड में जगह बनाना इतना आसान नहीं होता है, तो पूरी तैयारी के साथ में इस इंडस्ट्री में आई थी। तो कैसे मलिका शेरावत ने बॉलीवुड में जगह बनाई और मलिका की पिछली लाइफ कैसी थी और सबसे बड़ी बात कि आज मैडम कहां पर हैं, इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं मलिका शेरावत की सच्चाई, तो वीडियो से अंत तक बने रहिए। मलिका शेरावत का असली नाम है रीमा लांबा। रीमा उर्फ मलिका का जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1976 को हरियाणा हिसार में। मलिका एक जाट परिवार से बिलोंग करती हैं। मलिका के पिता मुकेश कुमार लांबा एक सरकारी अधिकारी थे। मल्लिका के पिता का सरनेम है लांबा, जो शेरावत यूज करती हैं वह इनकी माँ का सरनेम है और इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ये अपनी माँ का सरनेम क्यों यूज करती हैं आगे हम जानेंगे। इसके अलावा मल्लिका का एक भाई भी है। मल्लिका की पढ़ाई दिल्ली से हुई और स्कूलिंग खत्म करके मल्लिका ने दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज से फिलोसफी में ग्रेजुएशन पूरी की और एयर हॉस्टेज बन गई। एयर हॉस्टेज बनने के बाद ये फिल्मों में आना चाहती थी, हीरोइन बनना चाहती थी और साथ में इन्होंने मॉडलिंग में भी ट्राई करने लगी। उसी दौरान मल्लिका ने अमिताभ बच्चन के साथ में बीपीएल और शाहरुख खान के साथ में सेंट्रो की एड में काम किया। इसके बाद निर्मल पांडे की म्यूजिक वीडियो में काम किया और फिर लेट पंजाबी एक्टर सुरजीत बिंद्राखिया के एक फेमस सॉन्ग में भी नजर आई। इसके बाद इन्हें फिल्मों में ब्रेक मिला। फिल्मों में पहला रोल मिला था फिल्म जीना सिर्फ मेरे लिए में। इसमें तुषार कपूर और करीना कपूर खान लीड रोल में थे। इसी फिल्म के दौरान मल्लिका की जान पहचान हुई गोविंद मेनन के साथ। गोविंद मेनन एक डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर हैं। जान पहचान इतनी गहरी हो गई कि मल्लिका के हुस्न का जादू गोविंद के सर चढ़कर बोलने लगा और उन्होंने मल्लिका को लीड रोल में रखकर एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था ख्वाहिश। इसमें लीड एक्टर में थे हिमांशु मल्लिक। इस फिल्म में मल्लिका शेरावत ने अपने शरीर की नुमाइश के अलावा इन्होंने इस फिल्म के अंदर 17 से 18 किसिंग सीन्स दिए और सारे के सारे फुल अश्लीलता के साथ में। जब कोई नई नई एक्ट्रेस फिल्मों में आती हैं और आते ही कपड़े उतारकर किसिंग के नाम पर अपनी दुकान का सारा सामान दिखा दे तो उसकी चर्चा तो होना लाजमी है। ख्वाहिश फिल्म भले ही फ्लॉप हो गई थी लेकिन फिल्म से मल्लिका शेरावत थोड़ी सी चर्चा में आ गई। इधर फिल्म के डायरेक्टर राइटर गोविंद मेनन जो हैं मल्लिका के टैलेंट को और भी अच्छे से निखारना चाहते थे। वो गहराई के अंदर तक इसके टैलेंट को खोदकर बाहर निकालना चाहते थे, तो उन्होंने विवेक नायक नाम के प्रोड्यूसर के साथ में एक और फिल्म बनाई थी। नाम था किस किस की किस्मत। विवेक नायक इनकी पिछली फिल्म ख्वाहिश का भी प्रोड्यूसर था। मतलब मल्लिका के इंडस्ट्री में आते ही टैलेंट को खोद खोद कर बाहर निकालने में इन्हीं दोनों का हाथ रहा है, गोविंद मेनन और विवेक नायक का। लेकिन ये फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो गई और फिल्म के प्रोड्यूसर ने हाथ जोड़ लिए कि भाई जितनी खुदाई कर सकता था कर लिया, अब इससे ज़्यादा खुदाई करके टैलेंट को बाहर मैं नहीं निकाल पाऊंगा। फिर सामने आया बॉलीवुड का डायरेक्टर प्रोड्यूसर महेश भट्ट। महेश भट्ट ने जो कि इमरान हाशमी को लेकर मल्लिका के साथ में मर्डर फिल्म बनाई और इसमें किसिंग सीन्स के साथ में मल्लिका ने जो एक्टिंग के नाम पर अश्लीलता फैलाई उससे मल्लिका रातों रात फेमस हो गई। ये मल्लिका की पहली सक्सेस फिल्म थी। मर्डर फिल्म भी दोस्तों अनफेथफुल फिल्म की रीमेक थी। दोस्तों मल्लिका जब फिल्मों में आई थी तो उन्होंने अपनी एज, अपनी बैकग्राउंड सब कुछ झूठ बताया था। उस वक्त मल्लिका ने बताया था कि वो 1982 की बॉर्न है जबकि वो 1976 की बॉर्न थी। यही नहीं, कई वेबसाइट में मल्लिका का जन्म 1972 भी लिखा हुआ है। इन्होंने 1982 अपना जन्म बताया तो महेश भट्ट जैसे को लगा कि कच्ची गली मिल गई। वैसे भी महेश भट्ट तो छोटी छोटी बच्चियों को लॉलीपॉप देने के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है। मर्डर के बाद गोविंद मेनन ने फिर इसे लेकर फिल्म बनाई बच के रहना रे बाबा। इसके बाद मल्लिका ने जैकी चैन के साथ में एक और फिल्म की और उसमें इनका बहुत छोटा सा रोल था। साल 2006 में इनकी बैक टू बैक तीन फिल्में आई और तीनों की तीनों फिल्में फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद मल्लिका को साइड रोल मिलने शुरू हो गए, जैसे गुरु में आइटम सॉन्ग किया, आपका सुरूर में कैमियो किया, वेलकम, अगली और पगली, मान गए मुगले आजम ऐसी फिल्में थी जिसमें मल्लिका शेरावत ने सिर्फ आंखें सिकने के लिए कास्ट की गई थी। 2008 के बाद 2010 में इनकी फिल्म आई हिस। 2011 में थैंक यू में इन्होंने आइटम सॉन्ग किया और डबल में इन्हें एक छोटा सा कैमियो रोल मिला और इसके बाद सीधे इनकी 2012 में फिल्म आए और 2012 के बाद ये पूरी तरह से गायब हो गई। 2012 के बाद 2015 में डर्टी पॉलिटिक्स में दिखी
और इसमें भी इन्होंने ओमपुरी के साथ में खुलकर इंटीमेट सीन्स दिए हैं। ओमपुरी भी मल्लिका शेरावत से इतना ज़्यादा खुश हुए कि फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने मल्लिका की दिल खोलकर तारीफ की। ओमपुरी ने कहा था कि मल्लिका एक टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं और अपने किरदार में डूबकर एक्टिंग करती हैं। पता नहीं ओमपुरी साहब ने कहाँ से इसे डूबते हुए देख लिया। खैर, मल्लिका को बड़े फिल्म मेकर ने अपनी फिल्मों में कभी भी मौका नहीं दिया। महेश भट्ट के बाद किसी ने भी काम नहीं दिया, इसमें मल्लिका भी कहीं ना कहीं खुद भी जिम्मेदार है। उसे लगा कि टुल्लू पंप के सहारे ही फिल्में मिलती और शुरुआत इन्होंने इस तरह से ही की थी और इन्हें फिल्में मिली भी थी, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी स्मार्टनेस चाहिए। थोड़ी सी भी स्मार्टनेस में कमी आए तो यहाँ के फिल्म मेकर इतने बड़े ठरकी होते हैं कि टुल्लू पंप पकड़ा के पानी किसी और के खेत में छोड़ देते हैं और मल्लिका जैसे लोग देखते रह जाते हैं। वैसे भी मल्लिका शेरावत जैसे ओवर एम्बिशियस औरत के साथ यही होना चाहिए। ये दुनिया को शुरू से ही झूठ बोलती आई थी और इसने अपनी एक्टिंग के करियर के लिए ना जाने कितने लोगों को हर्ट किया, धोखा दिया, उनका विश्वास तोड़ा था। मल्लिका ने बताया था कि वो अनमैरिड हैं, लेकिन 1997 में यानी कि कॉलेज खत्म होने के बाद जब ये एयर हॉस्टेस की जॉब करने लगी थी तो उसी दौरान इन्होंने जेट एयरवेज के पायलट करण सिंह गिल के साथ में शादी कर ली थी। और बताया जाता है कि इस शादी से इनको एक बेटा भी हुआ था। ये शादी भी इनकी लव मैरिज थी, लेकिन साल 2000 में जब इन्हें एक्टिंग का कीड़ा काटा तो घर से सारी ज्वेलरी और कैश लेकर मुंबई भाग आए। इनके पिता ने कहा था कि बेटा वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मेरी इज्जत रख लो। तो मल्लिका ने अपने पिता से कहा कि आपने मुझे नाम दिया है तो मैं आपका नाम आज से छोड़ रही हूँ। इसके बाद रीमा लांबा ने अपना नाम रख लिया मल्लिका और बाप का सरनेम लांबा छोड़कर माँ का सरनेम शेरावत यूज करने लगी। मल्लिका ने यह बातें खुद अपने इंटरव्यूज में बोली हैं और गहने चोरी के बाद भी स्वीकार की हैं। मल्लिका ने अपने इंटरव्यूज में अपने आप को बहुत गरीब परिवार से बताती हैं, जबकि इनके पापा हरियाणा सरकार में एक गवर्नमेंट अधिकारी थे, लेकिन ये अपने आप को गरीब बताती रही हैं। शादी की बात और बेटा होने की बात जैसे ही लोगों के सामने आती गई, करियर भी टाइम टाइम फिस होती गई। मल्लिका ने साल 2013 में एक शो किया था और यह एक स्वयंवर शो था जिसमें मल्लिका खुद के लिए दुल्हा ढूंढ रही थी, लेकिन दुल्हा तो इनको नहीं मिला। हाँ, इस शो के हर एपिसोड के लिए मल्लिका को 1-1 करोड़ रुपए जरूर मिले थे, यानी स्वयंवर के चक्कर में लोगों को पागल बनाया गया। हालांकि विजय सिंह ने इस शो को फाइनल जीता था, लेकिन मल्लिका कुछ दिन इसके साथ रही और इसे 51 रुपए देकर विदा कर दिया, क्योंकि मल्लिका को शादी करने ही नहीं थी। इसके अलावा मल्लिका एक बड़बोली एक्ट्रेस भी रही हैं। वो उल्टे सीधे बयान देकर हमेशा चर्चा में रहती हैं। मल्लिका ने मर्डर फिल्म के लिए कहा था कि वो फिल्म में पहले एक्ट्रेस हैं जिन्होंने किसिंग सीन्स दिए हैं, लेकिन इससे भी पहले कई एक्ट्रेस किसिंग सीन्स दे चुकी हैं। क्या ये मल्लिका को पता नहीं था? एक बार कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान मल्लिका ने भारत को गरीब और पिछड़ा हुआ देश बता दिया, जिस पर काफी ज्यादा विवाद हुआ था। मतलब दूसरे देश में जाकर इन्हें अपने देश की बेइज्जती थोड़ी करनी चाहिए थी। वैसे मल्लिका ने 2018 में भारत को गैंग रेपिस्ट का देश भी कहा था, मतलब सामूहिक बलात्कारियों का देश। मल्लिका ने कहा था कि भारत अब सामूहिक बलात्कारियों का देश बन चुका है, जहां गैंग रेप आम घटना हो चुकी है। वैसे ये बयान तो कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि हमारे देश में आजकल बहुत से ऐसे घटनाएं हो चुकी हैं जो हमें शर्मिंदा करती हैं। लेकिन मल्लिका शेरावत को इस तरह से पूरे देश को सामूहिक बलात्कारियों का देश कहना कहां तक सही था? इस बयान के लिए मल्लिका को खूब गालियां पड़ी। इसके अलावा मल्लिका पर 2016 में न्यू ईयर पार्टी के दौरान अश्लील डांस करने के दौरान FIR भी दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, मल्लिका ने 2021 में सुशांत सिंह राजपूत पर एक बयान भी दिया था। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन इशारा SSR की तरफ ही था। एक न्यूज रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि पिछले साल यानी 2020 में एक एक्टर की मौत हो गई थी और लोगों ने गलत तरीके से उसकी गर्लफ्रेंड को दोष देना शुरू कर दिया। ये एक महिला का शोषण था। मल्लिका ने रिया चक्रवर्ती का इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट किया था। इस बयान के बाद काफी ज्यादा विवाद हो गया था और इनको ट्रोल भी किया गया, लेकिन ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दिया गया बयान था ताकि फ्री में फेमिनिस्ट बनकर मीडिया की कवरेज ले सके। वैसे मल्लिका ने अभी कुछ दिन पहले एक और बयान दिया था। इनकी अभी इसी साल एक फिल्म आई RKRK और ये फ्लॉप फिल्म थी। तब इन्होंने कहा था कि मैंने कभी भी
कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैंने हमेशा अपने आत्मसम्मान के साथ में काम किया है और कभी भी फिल्मों के लिए फिल्म मेकर्स के साथ में नहीं सोई। मल्लिका का यह बयान सुनकर पशु पक्षियों ने भी आत्महत्या कर ली कि भाई जब इनका आत्मसम्मान आज तक बचा हुआ है तो हमारा जीना बेकार है। वैसे ही अब अमेरिका में बस गई हैं और अपने आप को बहुत बड़ी फेमिनिस्ट समझती हैं। मल्लिका बॉलीवुड में तो टैक्सी बनकर ही दौड़ी हैं, यही वजह है कि बॉलीवुड में इनके अफेयर्स की चर्चा बहुत कम होती है। लेकिन इनके अफेयर्स में हॉलीवुड एक्टर एंटोनियो बैंड्रेस का नाम काफ़ी समय के लिए जुड़ा था। इसके अलावा पेरिस के बिजनेसमैन के साथ में भी इनका नाम जुड़ चुका है और शादी की खबरें भी उड़ी थी। हालांकि शादी की खबरों को इन्होंने नकार दिया था, लेकिन ये दोनों काफ़ी समय तक लिव इन में रहे थे। अब मल्लिका शेरावत अमेरिका में रहती हैं, वो वहीं पे बिजनेस करती हैं और अपनी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं। और इन्हें पता है कि वापस इंडिया आकर उसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आकर उन्हें फिल्में तो मिलने से रही। खैर, तो दोस्तों ये थी मल्लिका शेरावत की कहानी। आपको इनकी स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।